ओम नमो नारायण। अब सुद्रा अधिकरण में अंतिम सूत्र शेष है। अनेक दृष्टांत देकर वेद संबंधी अधिकार के विषय में विचार करते हुए शूद्र को वेद में अधिकार नहीं है ऐसा सिद्ध किया, जिसके लिए अभी तक जितने प्रमाण दिए हैं वो सब श्रुति से संबंधित था। वेद दिए हैं वो श्रुति संबंधी है। अब स्मृतियों में भी जो कहा है उसको भी स्मरण दिलाना चाह रहे हैं। तो श्रौदमिव लिंगम शूद्रस्य विद्या अनधिकारे स्मार्थम तद्दर्शयति। श्रौदमिव लिंगम, श्रुति लिंग जैसा है उसी प्रकार श्रुति में जितने प्रमाण मिल गए हैं ये श्रुति लिंग है, जैसे श्रुति लिंग है उसी प्रकार शूद्रस्य विद्या अनधिकार, विद्या में अधिकार नहीं है इस विषय में स्मार्थम तद्दर्शयति। श्रुति संबंधी जितने स्मृति है उनका अभी यहां दिखाना चाहते हैं। सूत्र है श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात्मृतेश्च। श्रवण अध्ययन और अर्थ प्रतिषेध, ये तीनों का प्रतिषेध है। स्मृतेश्च ऐसे स्मृति मिलते हैं, श्रवण नहीं करना चाहिए तो श्रवण का प्रतिषेध, अध्ययन नहीं करना चाहिए अध्ययन का प्रतिषेध, और तत्संबंधी प्रयोजन अर्थ धारण आदि भी नहीं करना चाहिए ये प्रतिषेध। तीनों प्रकार का प्रतिषेध है, निषेध है, ऐसा स्मृति भी मिलती है कहा। दोनों दो नंबर टिप्पणी है। सूत्रे श्रवणम अध्ययनम च अर्थः प्रयोजनम यस्य शूद्र समीपे वेद उच्चारणस्य तस्य प्रतिषेधात् इति एको अर्थः। इस सूत्र का एक अन्वय इस प्रकार हो सकता है, प्रकार कहते हैं न्याय रक्षामणि में कहा कि सूत्र में जो श्रवण शब्द अलग लेकर अध्ययन शब्द का अलग अर्थ लेकर और अर्थ से प्रयोजन, तो श्रवण अध्ययन प्रयोजन ऐसा तीन विभाग करके तीनों का प्रतिषेध है, तीनों का निषेध है। यस्य शूद्र समीपे वेदोच्चारणस्य तस्य प्रतिषेधादि एको अर्थः, तो उसका प्रतिषेध करेंगे तो श्रवण आदि नहीं हो इस प्रकार, एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा पुनश्च श्रवणम च अध्ययनम च अर्थश्च इति द्वंद्वः, इस प्रकार अलग अलग करके फिर परस्पर द्वंद्व समास किया, समाहार द्वंद्व किया श्रवणम च अध्ययनम च अर्थश्च इति द्वंद्वः। अर्थपदम प्रयोजन परम सत धारणा अभिधायी, यहां अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन है, अर्थ होता है प्रयोजन, यहां प्रयोजन से धारण करना उसको, उस प्रयोजन संबंधी कार्य को करना, इसका प्रतिषेध है। तदेव अभिधेय परम सत वेदार्थ ज्ञानम तद अनुष्ठानम च लक्ष्यति, तेषां प्रतिषेधादि। इस प्रकार से तदेव अभिधेय परम, तो अब तत्संबंधी श्रवणादि नहीं होगा तो उससे उसमें जो विषय प्रतिपादित है वो प्रतिपादित विषय का भी ग्रहण नहीं होगा, जो स्वाभाविक हो गया, तो तदेव अर्थ, उसी को अर्थ शब्द से कहा। जब श्रवण करेंगे तभी प्रयोजन सिद्ध होता है, तो नहीं करेंगे तो नहीं सिद्ध होगा। तो तदेव अभिधेय परम सद वेदार्थ ज्ञानम तद अनुष्ठानम भी रखे, वेदार्थ का ज्ञान और उसका अनुष्ठान दोनों ही यहां लक्षित होता है। यह अर्थ शब्द के द्वारा दोनों को संबंध कर दिया।
तेषां प्रतिषेधा, इस प्रकार तीनों का प्रतिषेध हो गया, श्रवण का प्रतिषेध, अध्ययन का प्रतिषेध और अर्थ प्रयोजन का भी प्रतिषेध, तो धारणा आदि का भी प्रतिषेध। न्याय रक्षामणि, ऐसे न्याय रक्षामणि ने इस प्रकार से अन्वय करके दिखाया, ये कहना चाह रहे। अभी यहां जो है ये जो सूत्र में जो भाष्य है और भाष्य में जिन वाक्यों का उदाहरण दिया है उस वक्त प्रतिषेध को दिखाने के लिए दिया, कहां कहां प्रतिषेध किया। सूत्रकार ने सूत्र में प्रतिषेध शब्द प्रयोग किया, प्रतिषेध शब्द प्रयोग किया तो भाष्यकार का कर्तव्य बनता है कहां कहां ऐसा प्रतिषेध वाक्य आया स्मृति में, उसको बताना होगा। इसलिए भाष्यकार अलग अलग स्थान से, धर्म सूत्रों से और स्मृतियों से, महाभारत से यहां प्रतिषेध वाक्य को दे रहे। और ये प्रतिषेध वाक्य होने से ये प्रतिषेध वाक्य का जो प्रतिषेध वाक्य कहां आता है इस विषय में थोड़ा विचार करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रतिषेध वाक्य दिया है, इनको लेके भी बहुत विवाद है। और ये जितने भी वाक्य दिया ये कोई भी भाष्यकार का वाक्य नहीं है, भाष्यकार ने उद्धरण में दिया, उद्धरण माना अन्यत्र कथित है, वो कथित को यहां प्रतिषेध शब्द आने से प्रतिषेध कहां कहां गया दिखाना पड़ेगा, इसलिए भाष्यकार ने उद्धरण दिया। और ये जितने उद्धरण है ये धर्मशास्त्र के अनुसार जैसे हम पहले विचार करते आए हैं ये कर्मकांड के अधीन है और ये व्यवस्था विदाई शास्त्र के अधीन है। व्यवस्था विदाई शास्त्र मतलब चतुर्वर्ण का जो व्यवस्था विदाई शास्त्र है वो व्यवस्था को परिपालन करने का कर्तव्य राजा को जाता है। जो भी कर्म संबंधी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको परिपालन करने का कर्तव्य दायित्व राजा पर जाता है। राजा जो पालन करता है, परिपालन करता है, संरक्षण करता है, उसमें साम दान दंड तीन नीतियां हैं। आप जानते हैं तीन नीतियों के आधार पर राजशासन होता है। आजकल राजशासन नहीं होने पर भी सरकार जो अभी गणतंत्र है, गणतंत्र होने पर भी ये तीनों के आधार पर ही व्यवस्था चलती है। इसमें जब सामदान तो ठीक है, उसमें समझाना होता है, फिर धमकाना होता है, फिर उसके बाद में दंड चलता है। ये तीनों जब दोनों नहीं चलेगा तो तीसरे कोटि में दंड विधान, और दंड विधान का बहुत विस्तार है। दंड विधान के अंतर्गत सृष्टि के आदिकाल से लेकर के विचार है, आपको हम सुनाएंगे, क्रम सुनाना पड़ेगा। तो वो क्रम से लेकर अब तक जो विधान चल रहा है ये सब दंड विधान के अंतर्गत, और दंड विधान सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। दंड विधान, दंड किसी को पसंद नहीं है, कहीं भी किसी भी विषय में दंड का विधान सुनेंगे तो डरता ही है, वो तो लोग चाहते नहीं है। तो ये जो वाक्य अभी इधर आ रहे हैं ये कर्म के अंतर्गत व्यवस्था विदाई शास्त्र के अंतर्गत होने से ये दंड विधान का विषय है, इससे आध्यात्मिक का कोई सीधा संबंध नहीं है। और भाष्यकार जो वचन दे रहे हैं ये भाष्यकार का अपना वचन भी नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग इन्हीं श्रुतियों को लेकर के जो वाक्य यहां दिए हैं इन वाक्यों को लेकर के बहुत आपत्तियां जताते हैं, ये समझते नहीं है, इसलिए आपत्तियां उनको हो जाती है, क्यों ऐसा क्यों कहना था, नहीं कहना चाहिए था इत्यादि। ये इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो ये दंड विधान के अंतर्गत, दंड नीति के अंतर्गत, जो राजनीति के अंतर्गत आता है, क्या क्या विधान है, क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं समझते हैं। दूसरी बात है कि उस काल में क्या था और इस काल में क्या है, दोनों में क्या अंदर है, ये भी हमें सिखाया नहीं जाता है। अब उस काल की बात को लेकर के इस काल में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये विधान अलग होता है, इसलिए मैं इसका पूरा
आपको कैसे ये दंड विधान की व्यवस्था है, क्योंकि इसको उस दृष्टि से समझना आवश्यक है। उसके बिना इसको सुन करके आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये काल के संबंध में अभी जो हमारे अभी की जो व्यवस्था है, राजनीति व्यवस्था कहने का अर्थ हमारे देश को रक्षा करने के लिए जो व्यवस्था, समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था, राष्ट्र अभिवृद्धि के लिए जो व्यवस्था, इसमें सबसे पहला अंदर क्या है। पहले वाले व्यवस्था में ये सामाजिक व्यवस्था के साथ में आध्यात्मिक भी जुड़ा हुआ था, सब कुछ वेद के आधार पर चलता था। वेद है, वेद संबंधी स्मृतियां है, अभी कल्प सूत्र देंगे, कल्प सूत्रों के स्मृतियों के, और उसी के बाद में नीतियां हैं, जैसे शुक्र नीति आदि, विद्र नीति आदि, नीति शास्त्र है और अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। इन सब के आधार पर अलग अलग समय में इनके आधार पर वो व्यवस्था चलती थी, और इसमें सब ये जुड़ा हुआ, आध्यात्मिकता जुड़ी हुई। आध्यात्मिकता जुड़ने के कारण ही ये जीवन व्यवस्था के अंतर्गत भी आध्यात्मिकता जोड़ने से वहां भी ये व्यवस्था आई गई। मैंने राजा का कर्तव्य में ये भी देखना होता था कि वेद कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, जिनको नहीं पढ़ने के लिए कहा वो पढ़ रहा है क्या, और जिनको पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए कहा वो अध्ययन नहीं कर रहा है तो वो भी उसके अनुसार उनके ऊपर भी होगा, और जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वर्ण संघर को रोकना चाहिए, वर्ण संघर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आजकल के समय में जो जो व्यवस्थाएं देखी जाती है समाज को संभालने के लिए बहुत विस्तार है, ऐसा ही पहले था। ये आध्यात्म के साथ जोड़ने के कारण ये दोनों में एक ही नीति चलता। राजा का कर्तव्य था कि वो वर्ण आश्रम धर्मों का परिपालन कराए, वेदोक्त कार्य नीति से वो काम चलाए, और तत्त्व समय में जो दंड की आवश्यकता है वो दंड का भी विधान करे स्वयं, ऐसा होता। वो आजकल भी होते हैं, तो क्यों इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो वाक्य कह रहे हैं भाष्यकार का नीचे अभिप्राय है नहीं, न सूत्रकार का अभिप्राय। अभी ये हम जो विचार कर रहे हैं व्यवस्था के, व्यवस्था विधायी शास्त्र के विचार कर, उसका नियम कर्मकांड के अनुसार ही चलता है, इसमें कोई समझौता नहीं। अब भाष्यकार का अभिप्राय आप देखिए कि देवता अधिकरण में आपने देखा कि देवताओं को कर्मकांड में अधिकार नहीं दिया गया, और उसके कारण पूर्व पक्षी ने यह भी कहा कि आपके ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। तो जो पूर्व पक्षी ने, मीमांसकों ने कर्मकांड के अधिकार ना होने से देवताओं को ब्रह्म विद्या में भी अधिकार को हटा दिया, ऋषियों को भी ऐसा किया, प्रवर ऋषियों को कर्मकांड में अधिकार नहीं है इसलिए ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है, उन दोनों को ब्रह्म विद्या में विशेष विचार करके अधिकार दिलाया, अधिकार से वंचित नहीं किया है, उसमें व्यवस्था ढूंढ करके किस प्रकार से होना चाहिए, न्याय युक्ति प्रमाण देकर के देवताओं को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार दिलाया और ऋषियों को भी अधिकार, जबकि उन दोनों के लिए निराकरण कर दिया था मीमांसा पर, तो वो वेद प्रमाण से उसको सिद्ध किया। तो ये अभिप्राय है कि ब्रह्म विद्या में उनका भी अधिकार है, तो यो देवानाम प्रत्यबुद्धिता इत्यादि स्मृति के आधार पर, और उसी प्रकार स्मृति के आधार पर अर्थवाद के आधार पर ये सब सिद्ध किया। अब उस प्रसंग में शूद्रों को ही बात आ गई, अब चतुर्थ वर्ण को वेद में अधिकार नहीं कहा गया, अब देखिए उनको भी नहीं है बोला, इनको भी ऐसे ही है वेद में अधिकार नहीं है, तब प्रश्न आ गया कि इनको वेदोक्त ब्रह्म विद्या में अधिकार होंगे नहीं होंगे, अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये प्रश्न आ गया। प्रश्न आ गया तो पूर्व पक्ष तो समान है, वो अधिकार नहीं देना चाहते एक पक्ष,
अब एक पक्ष देना चाहते हैं, अब क्या करें। तो तब क्या किया कि उनको भी जो वेदोक्त संबंधी अधिकार नहीं होने पर भी ब्रह्म विद्या में इतिहास पुराण आदि के द्वारा स्मृतियों के द्वारा अधिकार दिलाया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि अधिकार से वंचित करने के लिए अधिकरण नहीं है। अधिकार तो भी दोनों अधिकरण में ऐसे ही चल रहा है, वो भी उधर भी अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको प्राप्त कराया वेद के मंत्र के आधार पर, उपनिषद के मंत्र के आधार पर प्राप्त कराया। अब यहां ऐसा प्राप्त कराना संभव नहीं, क्योंकि वो तो देवता ऋषि के विषय थे और उनका नाम बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, देवानाम ऋषि का नाम आया है, इसलिए वहां कोई प्रश्न नहीं था, वहां तो उस आधार पर कर सकते। किंतु यहां ऐसा नहीं, यहां मनुष्यों का विषय है और ऐसा वाक्य आया नहीं है, समस्या यही है, ऐसा स्पष्ट वाक्य आया नहीं है। यदि वाक्य आया भी है तो वो वाक्य ऐसे वाक्य है जो कर्मकांड से ही संबंधित है और वहां विशेष अधिकार देने के लिए, विशेष प्रावधान के लिए, जैसे रथकार अधिकरण में और निषाद स्थपति अधिकरण में किया गया, तो उन दोनों को भी चतुर्थ वर्ण में ही रखा है। चतुर्थ वर्ण में रखने के बावजूद उनको विशेष अधिकार का प्रावधान है। ऐसे ही शब्द आया है कुछ वेद मंत्रों में, वो भी आपको सुनाया। इसीलिए अब वो नहीं है, फिर क्या करेंगे। अब उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार है ये सिद्ध करना, अब वेद मंत्रों के द्वारा अधिकार नहीं है इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते। इसीलिए भाष्य का अंतिम में पूर्व संस्कार वशाद इत्यादि वाक्य से विदुर धर्म व्याध प्रवृत्ति नाम ज्ञानोत्पत्ति ही तेषाम शक्यते फल प्राप्ति ही न शक्यते फल प्राप्ति प्रतिषेध। अब सूत्रकार को ऐसी सूचना नहीं दे, सूत्रकार तो बोलते हैं श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधा, उन्होंने अर्थ का भी प्रतिषेधन कर दिया, नहीं हो सकता। वो किस दृष्टि से कह रहे हैं कि वेद के मंत्रों के आधार पर कह रहे हैं, वो तो मान्य है, भाष्यकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी नहीं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इतिहास पुराण अधिगमे चादुर्वर्ण्य से अधिकार स्मरणान श्रावये चतुरो वर्णान, ऐसे वाक्य महाभारत में आया है, उसके आधार पर भाष्यकार कह रहे हैं श्रावये चतुरो वर्णान, ये महाभारत में जो वाक्य आया। इसीलिए इतिहास पुराण अधिगम में चादुर्वर्ण्य को अधिकार दिया है तो उसमें समस्त अधिकृत हो जाए। चादुर्वर्ण्य में भी जो ब्राह्मण आदि, क्योंकि उसी वाक्य में जिसमें ये श्रावये चतुरो वर्णान वाक्य है, उसी वाक्य में वेद व्यास ये स्पष्ट कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण में प्रथम द्वितीय या तृतीय वर्ण के होते हुए भी उन्होंने विधिवत वेद का अध्ययन नहीं किया, वेद का अध्ययन करने का अवसर उनको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे भी बहुत होते हैं। कितने होते हैं वेद का अध्ययन करने वाले, कम ही होते हैं, बहुत विरल है, हजारों में एक परिवार हो सकता है करता हो, बाकी तो कर नहीं रहा है। अब वो जो नहीं कर रहे हैं उनको आगे के कर्मों में अधिकार नहीं होता, ऐसे स्थिति में वो क्या करेंगे, वो विद्या को कैसे प्राप्त करेंगे, वो निधि ज्ञान धर्म कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए उसी श्लोक में, जो श्लोक का अंतिम पंक्ति भाष्यकार ने यहां दिया, इसी श्लोक में कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा। तो जो स्त्री है अथवा शूद्र है या द्विज है, द्विज बंधु का, द्विज बंधु मैंने जन्म से तो द्विज हो गया लेकिन उन्होंने ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण कहने के लिए ब्राह्मण है, काम का ब्राह्मण नहीं है, कहने के लिए क्षत्रिय है, वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, कहने के लिए वैश्य है, वास्तव में किया नहीं। तो द्विज बंधु जो है खाली कहने मात्र के लिए ब्राह्मण, अब वो वेद पढ़ा नहीं, वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, क्या करेंगे, उनको ज्ञान कहां से होगा। तब कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से कहा, ऐसे लोगों के लिए मतलब चारों के लिए हो गया, भाष्यकार कह रहे हैं ना चादुर्वर्ण्य से अधिकार, तो चारों को कैसे अधिकार आ गया, वो नहीं कर सकता। अब देखिए इधर स्पष्टता यह है कि ब्राह्मण होता हुआ भी यदि विधिवत उन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया तो उनको उसमें अधिकार नहीं है,
उससे विद्या प्राप्त करने का या उसमें कोई कर्म करने का अर्थ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण ने वेदाध्ययन नहीं किया है वो दूसरे को वेद कैसे पढ़ाएगा, कैसे सुनाएगा, नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को यदि ज्ञान प्राप्त करना है कालांतर में, अवस्थांतर में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वकीरक्त हो गया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो उनको वेद में जाके वेद पढ़ करके नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उपनयन आदि संस्कार हुआ नहीं। जैसे पहले कहा कोई अभी सारा स्मृति आपको दिखाएगी, क्योंकि ये इसके लिए उसके ऊपर हम बहुत साल से अब हमारा रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्योंकि ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं ये प्रसंग को ठीक से नहीं समझने से कर रहे हैं। और वाक्य जो उद्धरण में दिया गया है उसका क्या नियम है, किसके कारण है? अब ये दंड नीति का, राजनीति का और आध्यात्मिकता का विभाजन हम नहीं जानते हैं आजकल, नहीं जानने के कारण ये ब्रह्मसूत्र तो अध्यात्म शास्त्र है, इसमें ये आ गया तो ये उनको ऊपर लगा। और ऐसा यदि भाष्यकार के मन में किसी एक वर्ग को इस ब्रह्म विद्या से अलग करने की थोड़ी भी इच्छा होती, मतलब थोड़ी भी उनके मन में ऐसा भाव होता, तो मैं ऐसे वाक्य आपको सुनाऊंगा। ऐसे वाक्य वो नहीं कहते, और यहाँ ये जो वाक्य कहा है अंतिम में ये वाक्य भी नहीं कह सकते, ये वाक्य कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ येषां पुनः का अर्थ क्या होता है, ये सूत्र का अर्थ हो गया, अब हम अपनी बात बता रहे कि जिनके लिए ऐसी व्यवस्था है हमको उसका उत्तर तो देना पड़ेगा आपको। अब ये वाक्य भी नहीं कर सकते थे यदि भाष्यकार उनको अंगीकार नहीं करता। और अन्यत्र तो बहुत सारे उदाहरण मैंने पहले भी दे दिया, अभी और आपको सुनाएंगे। और ये विषय इसीलिए कि ये स्पष्ट रूप से भाष्यकार ऐसा नहीं कह रहा है, और जहां ऐसा ब्रह्म विद्या में अधिकार माना है, अब वार्तिककार का भी पक्ष दिखाएंगे, वार्तिककार तो स्पष्ट रूप से कह दिया, वार्तिक सार में भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रह्म विद्या में अधिकार के लिए ये विषय नहीं है, लेकिन वेद अध्ययन करते हुए नहीं है, वेद अध्ययन नहीं करते हुए नहीं है तो इनको भी नहीं है। जो सदर द्विज संबंध द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, उनके स्त्रियों को भी अधिकार नहीं है, उनके स्त्रियां भी नहीं कर सकती है, उनके साथ ही करना पड़ेगा। और द्विज बंधु होता हुआ जन्म से होता हुआ उनको भी अधिकार नहीं होगा। इसलिए वहां महाभारत ने कहा है, पूर्ण श्लोक ऐसा है, शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा तेन भारतम आख्यातम मुनिना कृपया, उन सबके लिए ये महाभारत का आख्यान किया। ये नंबर तो यहाँ दिया हुआ है दिया। उसके बाद आता है श्रावये चतुरो वर्णान कृत्वान ब्राह्मण अग्रतः, ये पूर्ण श्लोक है, तीन पंक्तियों का श्लोक है। इस प्रकार से उनके लिए आख्यात हुआ है ये बता, ये तो स्पष्ट हो गया। इसके आधार पर भाष्यकार ने ब्रह्म विद्या के अधिकार को सिद्ध कर दिया उनकी, और ये श्रुति से स्मृति से विरुद्ध नहीं है, ये हम आपको समझाएंगे। ये जो भाष्यकार ने कहा श्रुति में भी है और स्मृति में भी है ऐसे अधिकार में, लेकिन वो पढ़कर के अधिकार में, अभी जिन संस्कारों को नहीं करने के लिए निषेध किया शास्त्र ने उन संस्कारों को नहीं कर सकते हो। कल आपको सुनाया षोड़श संस्कारों में केवल 10 या 12 संस्कार विकल्प से दो पक्ष में कर सकता, अब और भी क्या क्या कर सकता है वो सुनाया। अब इतने को छोड़ करके वेद का जो मूल मंत्र संस्कार नहीं होने के कारण नहीं करता है, इतने को छोड़ करके बाकी सब में अधिकार दिया और सबको प्राप्त करने के लिए कहा, और धर्म में जैसे अन्यों को अधिकार है वैसे ही अधिकार दिया, और जिसका विधि और निषेध होता है वो सबको अनुपालनीय होता, वो कोई जाति विशेष के लिए नहीं, राजा के लिए भी विधि निषेध का अनुपालन जरूरत है। आपको हमने सुनाया था बृहदारण्यकोपनिषद में सृष्टि क्रम में कहा, पहले कर्म को सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण को बनाया, कर्म सिद्ध नहीं हुआ, क्षत्रियो को बनाया सिद्ध नहीं हुआ, वैश्य को बनाया सिद्ध नहीं हुआ, शूद्र को बनाया तो सिद्ध हो गया, होने के बाद में उसको धर्म के द्वारा बांधा। इतने होने के बाद वो ये चार किस पर आधारित है, धर्म पर आधारित,
इसका मतलब ब्राह्मण को भी क्षत्रिय को भी वैश्य को भी शूद्र को भी धर्म के आधार पर कर्म करना पड़ेगा, ऐसा ही वहां सिद्ध होता है। तो वहां प्रश्न होता है कि ये धर्म का परिपालन कौन कराएगा, तो परिपालन कराने का दायित्व राजाओं को दिया, क्षत्रियों को दिया, तो क्षत्रिय धर्म का परिपालन। क्योंकि अभी क्षत्रिय कोई गलत करेगा, क्षत्रिय यदि विधि प्रतिषेध का उल्लंघन करेगा उसको कौन दंडित करेगा, तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि राजा तो बन गया, दूसरे को तो ऊपर हावी हो गया, शासन चला रहे, किंतु स्वयं गलत कर रहा है, स्वयं अपने नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, शास्त्रीय नियम को नहीं मान रहा, उनको कौन दंडित करेगा, उनको दंडित करने के लिए धर्म है, ऐसा कहा। वो भी धर्म के अनुशासन में रहेगा, धर्म का अनुशासन में करने से उनको भी दंड होता है। मैं आपको वाक्य सुनाऊंगा, स्पष्ट रूप से कहा कि राजा को भी स्वतंत्र रूप से दंड लेना चाहिए, वो स्वयं दंड लेता और उसका दंड अन्यों के दंड से कई गुना अधिक होता। किसी के दंड के रूप में 100 रुपया यदि दंड के रूप में फाइन देना होता है, तो राजा का यदि उस स्थान में वो गलत काम करता है तो वो 1000 रुपया होगा। ये नियम रखा, इसीलिए उस व्यवस्था में कोई भी ऐसा छिद्र नहीं है, कोई भी किसी को भी आगे पीछे किया ऐसा भी नहीं है। यहां व्यवस्था किस आधार पर बनाया जा रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा, इसके बिना आपको ये प्रसंग समझ में आएगा नहीं, धर्मशास्त्र हमको समझ में आएगा नहीं, और हमारी भारतीय संस्कृति क्या है समझ में आएगा नहीं। मैं बोल रहा हूं ये जाने बिना धर्मशास्त्र का कोई भी आप व्यवहार करो गलत हो जाए, कि कहां से लेके ये प्रकट होता है। नहीं तो ऐसे भाष्यकार, आप भाष्यकार का वजन देखिए, अन्यत्र आगे आपको आएगा दूसरे अध्याय में ये वाक्य आने वाला, अन्यत्र कहते हैं एके साधिनः दास किदवादि भावं च ब्रह्मण आमनन्ति आधर्वणिकाः ब्रह्मसूत्रे। भाष्यकार सामान्य रूप से जब श्रुति का उदाहरण देते हैं वो कहां से आया सामान्य रूप से नहीं बोलते, कभी कभी शाखा का नाम लेते हैं, कभी श्रुति ऐसे करते। अभी इस वाक्य में विशेष करके शाखा का भी नाम लिया और वहां कौन से वेद का भी नाम लिया और वो सूक्त का भी नाम लिया, मतलब पूरा कोटेशन देना चाहे तो ये देखिए एक ये साधना कौन सी शाखा है, आधर्वण शाखा के, आधर्व शाखा की कोई उपनिषद है, ये कोई वेद मंत्र है, और उसको सूक्त का नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र नाम के सूक्त में, आधर्वणी के सूक्त में ऐसा कहा गया, ये भाष्यकार का वचन है। इससे आपको मालूम पड़ेगा ये चतुर्थ वर्ण को अलग करने के या उच्छेद करने के कोई विचार भाष्यकार का नहीं है, ये स्पष्ट होता है, क्योंकि ये वाक्य वहां उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। ये वाक्य में क्या कह रहा है, ब्रह्म दासा ब्रह्मे वे मे गिदवाह, ये वाक्य दे रहा है इत्यादि ना दासाह इत्यादि वाक्य के द्वारा ये सिद्ध किया कि ब्रह्म की दृष्टि से जितने दास है, दास का मतलब होता है ये कैवर्तक शूद्र जाति के होते हैं, ये नाव चलाने वाले कैवर्तक जिसको बोलते हैं, केवड़ा बोलते हैं, केवड़ बोलते हैं, तो कैवर्तक, उनको दास शब्द से कहा, ये चतुर्थ वर्ण में आते हैं। तो ब्रह्म दासा जो दास होते हैं, जो सेवा में राजा आदि के सेवा में रहते हैं, वो शब्द प्रसिद्ध है। और ब्रह्मे में कितवाह, ये जूद मैंने जुआ खेलने वाले, जुआ खेलने को निंदा किया है, ये भी ब्रह्म ही होते हैं, दास भी ब्रह्म है, दास भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म के दृष्टि से इनको कोई अलग नहीं किया गया। इसलिए उस प्रकार से ब्रह्म विद्या का ज्ञान वो इतिहास पुराण से प्राप्त कर सकता है। अब वो क्यों प्राप्त ऐसा करना चाहिए उनको, क्योंकि अन्य संस्कार जो वेद अध्ययन करने के लिए जो संस्कार चाहिए वो संस्कार वेद में विहित नहीं है, यही स्पष्ट है, और कोई कारण यहाँ दूसरा है ही नहीं, कोई उच्च नीच भाव का विचार नहीं है, छुआछूत का कोई विचार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है इधर। अब ऐसा होने पर बिल्कुल संस्कारहीन व्यक्ति हो तो उसको ये प्राप्त हो जाएगा क्या, कोई संस्कार नहीं है जिसका, ऐसा संस्कारहीन होने पर किसी को भी प्राप्त नहीं होगा,
वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी को भी यदि वो संस्कारहीन है, बिल्कुल इसी से कोई संबंध नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नाम के लिए जन्म से उनको माना, मानने मात्र से उनको इसमें अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ये क्या सब फल सिद्ध हो जाएगा, शब्द सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। अभी कारण क्या है, संस्कारहीनत्व वहां का है। इस दृष्टि से वहां स्त्रियां भी आती है, चारों वर्ण के स्त्रियां आती है, उनको तो सामान्य है, और उनके लिए भी व्यवस्था दिया। सारे स्मृतियों में इतने सारे कर्म, जैसे हमने कल बोला था पंजे महाराज, ये सारे कुछ बताया गया है, ये सब कोई ध्यान नहीं देते हैं, उसको ऊपर कर्म करने के लिए उनको समझाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं, कि केवल इन्हीं बातों को लेके विचार करते। अब ये सब का हम देखेंगे। अभी हमने आपको ये बताया कि ये दंड नीति के अंतर्गत है। अब ये दंड नीति के अंतर्गत होने से ये दंड नीति का मतलब क्या होता है, पहले ये दंड नीति क्या थी इसे समझना, दंड नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दंड नीति का मतलब जो व्यवस्था बनाया है, कानून बनाया, वो नियम बनाया, उस नियम को जो पालन नहीं करता है उसको शिक्षा देना, उसको दंडित करना, दंडित करके वो जो नियम है उसको परिपालन करना। और क्यों करना है, ये नियम क्यों बनाया है, ये सबके हित के ही होता है। यदि उन नियमों को पालन करते हुए सभी अपने आचरण के अनुसार जिएंगे तो सभी को सब कुछ प्राप्त हो जाए, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं आएगी, और निडर होकर के आप अपने जीवन व्यतीत कर सकते। समाज में आप देखेंगे, समाज में जो जितने भी कानून व्यवस्था बनाए हैं वो क्यों बनाए, समय समय पर उसको बदलते हैं, क्यों बदलते, तो एक मूल संविधान के अनुसार उसको बदल दिया भी जाता, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अभी बहुत सारे नए दंड आए हैं, दंड के लिए बहुत सारे नए कानून बनाए और सख्ती से दंड कराना पड़ेगा, वो तब होना होता है कि सामान्य दंड देने पर यदि वो अपराध बढ़ते जाता है, वो जुर्माओं बढ़ते जाता है, तो उसमें और सख्ती से दंड करना पड़ेगा। जैसे बलात्कार आदि के लिए आजकल बहुत सारे राज्यों में मृत्यु दंड घोषित कर दिया। क्यों करना पड़ा, मृत्यु दंड तो बहुत बड़ा सबसे है, अंतिम दंड है, तो क्यों करना पड़ा, क्योंकि बाकी सब करने के बाद जो भी ये अपराध जारी है, तो ये है दंड नीति की व्यवस्था। अब ये दंड नीति को आप आध्यात्मिक के साथ, ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ सकते, ये राजनीति की व्यवस्था, उसके बिना समाज नहीं चले। और हमारे जो राजनीति हो, यानी जो शास्त्रीय राजनीति है, वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही है। ये दोनों को हटाएंगे तो हमारे जो वैदिक संबंधी मनु आदि के द्वारा प्रणीत जो राजनीति है वो काम करेगी नहीं, उसका मूलभूत तत्व तो है वो दोनों, तो समाज की व्यवस्था रखेंगे। अब वो क्यों रखा, ये पहले जानना चाहिए। हमारे आजकल का नियम में और उस नियम में अंदर ये है कि वो आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये था कि हर एक व्यक्ति को चारों पुरुषार्थ इसी जन्म में प्राप्त हो जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अत्यंत सुख चाहता है, परम सुख चाहता है, वो परम सुख इसी जन्म में यही प्राप्त होने के लिए हमें सबको मिलकर के करना पड़ेगा। सभी मिलकर के कर्म व्यवस्था को बनाए रखेंगे, सभी मिलकर के समाज में शांति को बनाए रखेंगे, सभी मिलकर के राज्य की सुरक्षा करेंगे, सभी आपस में लेन देन जो भी धर्म के विषय में लेन देन है वो करेंगे, तो सभी का सब कुछ सिद्ध हो जाए। जैसे एक आश्रम अथवा कोई कारखाना फैक्ट्री आदि चलाते हैं तो वहां काम करने के लिए सबको मिलकर के करना पड़ेगा, तो उसका परिणाम रूप से फल वहां आता है। अब ये है वहां का मूल तत्व। अब हमारे इस समय का मूल तत्व वो नहीं है। समय का मूल तत्व क्या है, राज्य की सुरक्षा,
राज्य में, वहां तो पुरुषार्थ प्राप्ति से तात्पर्य नहीं है, केवल अर्थ प्राप्ति से तात्पर्य हम कह सकते हैं, बाकी क्या कह सकते। मोक्ष के विषय में तो कोई हमारा इसमें कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, इसलिए सारे पुरुषार्थ की बात नहीं है वहां। धर्म के बारे में भी अलग अलग है, वो अलग चीज है, धर्म को स्थान दिया है ये अलग। ऐसे व्यवस्था बनानी पड़ेगी सबको सब कुछ करने की। अब एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, राजा को सब कुछ करने के लिए बोल दिया, राजा सब कुछ क्या करेगा। और जब जनसंख्या बढ़ती जाती राज्य का विस्तार होता तो उसी के अनुसार नियमों को बनाना पड़ेगा और नियमों में और शक्ति लानी और कड़ा नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो अपराध बढ़ेंगे, आपस में रंजिश बढ़ते हैं, आपस में राग द्वेष लड़ाइयां होती है, तो उसके लिए व्यवस्था उतनी पुख्ता सख्त बनाना पड़ेगा। यही हो रहा है सभी राज्य में, इस प्रकार होता है। अब देखिए यहां जो दंड व्यवस्था बोल रहे, मैं बोला कि ये उसका आधार चार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बाद में ये चार पुरुषार्थ, चार आश्रम। आश्रम तो व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के जीवन में चार स्तर है, वो चार आश्रम हो गया, और समाज में व्यवस्था है चार वर्ण, ये सारे मिलके सबके लिए सब कुछ करे। पुरुषार्थ सात धात पुरुषार्थ, वही सब कुछ है पुरुषार्थ होता है। अब इस दृष्टि से यदि आप देखेंगे उसके लिए भी व्यवस्था तो चाहिए, बिना व्यवस्था में कोई काम होगा नहीं, तो व्यवस्था करते हैं तो कहां से ये व्यवस्था शुरू हुई। आपने देखा, आप तो पुरुष सूत्र तो सुना, ब्राह्मण अस्य मुखमासीत, वहां से लेके जो सृष्टि की प्रक्रिया में चार विभाजन किया। वेद में अनेक जगह पे ये वाक्य आए हैं, अलग अलग वाक्य आए हैं, तो सृष्टि में वो व्यवस्था तो है और वहां क्या करना है इसका सब विधान है, सामान्य रूप से क्या नहीं करना है ये निषेध भी है, किसको क्या नहीं करना, ये वेद की व्यवस्था निषेध उसमें आ गए। उसके बाद में आप देखते हैं स्मृतियों में जब आते हैं, तो ये स्मृतियों में जब आते हैं इसमें थोड़ा अंदर होता है, स्मृतियां अपौरुषे नहीं होती, वेद को छोड़ करके बाकी सब पौरुषे, कल्प सूत्र भी पौरुषे, अभी टीकाकार ने कहा सब पौरुषे होता। यहां एक बात हम बताना चाह रहे हैं, इसमें हम दोनों का अंदर बताना चाह रहे हैं। अब देखिए हमारे संविधान का दृष्टांत लें, एक संविधान है हमारे पास जो बना हुआ है, तो संविधान में 395 रूल्स अधिकरण है, अनुच्छेद है, तो ये 395 जितने अनुच्छेद है ये एक मूलभूत संविधान समाज को संचालन करने के लिए, ये जो बोल रहा है। अब उसमें आप देखेंगे उसमें व्यवस्था के बारे में तो विचार है, व्यवस्था को मान करके ही हमारे जो संविधान के शिल्पी है डॉक्टर अंबेडकर, अभी उनका भी मैं बताऊंगा उनके वजह से, क्योंकि ये सब इसलिए जोड़ना है ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये जो भी हम समझ रहे हैं या कर रहे हैं इसका आधार कुछ और है और इसका प्रचार कुछ और हो रहा है। ये व्यवस्था को उन्होंने भी माना है, मान करके ही किया, ये व्यवस्था हो गई। अब ये जो 395 जितने भी अनुच्छेद है इसमें दंड दंड का विधान नहीं, ये मूलभूत अनुच्छेद मतलब व्यवस्था संविधान की, दंड का बारीकी बारीकी जो दंड है, अलग अलग अपराध है, अलग अपराधों का जो दंड है उसका विधान बाद में धारा बोलते हैं, ये धारा 140 इत्यादि बोलते हैं, वो जो व्यवस्था उसके अंतर्गत बाहर आता है उसकी सूचना तो वहां मिलेगी आपको, इस प्रकार से स्थिति होने से ऐसा आप कर सकते हैं ये मिलेगा, लेकिन अमुक केस के लिए कौन सा दंड देना चाहिए, ऐसे स्थिति में क्या दंड देना चाहिए, ये सारे विचार उसमें नहीं।
ऐसा दंड वहां नहीं बताया गया। वो दंड बनाने के लिए क्या किया, बाद में मिलिट्री का अलग बनाया, फौज का अलग बनाया और पैरा मिलिट्री का अलग बनाया, फिर पुलिस के लिए अलग बनाया और क्या वन का वन संरक्षण के कानून अलग बनाया, उसका दंड अलग है और पानी का अलग है, वायु का अलग है, जो जो है सबको अलग अलग कर दिया और सामाजिक में अलग अलग विभाजन में स्तर में होने वाले दंडों का विधान अलग अलग, कितने सारे तो हजारों में होंगे, हजारों में क्या बहुत ज्यादा अलग अलग कर। अब ये दंड विधान है, अब ये दंड विधान बदलता रहता, आपने देखा होगा 50 साल पहले जो था वो नहीं है, अभी बदलता, समय समय पर परिवर्तन होता, लेकिन मूल संविधान अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो नहीं कर सकते। और जो भी दंड विधान आएगा, ये बात को बहुत सावधानी से समझिए, जो भी दंड विधान आएगा वो मूल अनुच्छेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उसके अंतर्गत आए, उसके विरुद्ध नहीं जाए, विरुद्ध आएगा तो उसको अमान्य करे। अब आपको समझ में आ गया ना, ये दो अलग अलग चीज है, ये इसलिए मैं अलग करना चाह रहा हूं, नहीं तो ये आपको ये दंड विधान है करके समझ में नहीं आया। इसी प्रकार हमारे पास भी, हमारे पास जब आप वेद में देखते हैं, वेद में किसी का कोई निषेध, किसी के लिए दंड का विधान वेद में नहीं मिलेगा, वाक्य नहीं मिलता, ऐसे करेगा तो इसको पिटाई करो, ऐसे करेगा तो उसको 100 रुपया दंड दे दो, फिर ऐसे करेगा तो उसको मार दो, छेद करो, ये वेद में वाक्य नहीं मिलेगा, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। और वेद में नहीं कहा, ये लोग बना करके इन्होंने अपने आप ब्राह्मणों ने ये सब राजाओं ने मिलकर के बना के हमारे ऊपर दंड कर रहे हैं, ऐसा बोलते, वेद में नहीं कहा वो, वेद कोई दंड शास्त्र नहीं, वेद तो उससे ऊपर है, कई गुना ऊपर है, वेद तो बहुत व्यापक दृष्टि से देखता है, ये हमारा अनुच्छेद जैसा, इसलिए इसका अनुच्छेद का उदाहरण दे रहा हूं, ये लेने से जल्दी लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो हम इसको इतना भी समझाएंगे वो पकड़ में नहीं आएगा, वो कुछ और सोचते हैं, न वेद पढ़ा है न वेद के बारे में जानते हैं, उसमें क्या लिखा है कैसा है कुछ पता नहीं। अब देखिए, अब वो हो गया, उसके बाद में समय के अनुसार आपको दंड की आवश्यकता होती है, तो जैसे अलग अलग धाराएं बनाते हैं, धाराओं का परिवर्तन होता है, नया दंड, जैसे अभी आजकल जो भी नए नए दंड आ रहे हैं, तो जैसे साइबर क्राइम के लिए अलग दंड आ गया जो पहले नहीं था, और ऐसे ऐसे दंड आता है, वो सारे बाद में बनाए जाते हैं, सारे जो बुद्धिमान लोग बैठ करके विचार करके, वो जो सरकार जो चलेगी वो सरकार के अपने एक नीति बनाएंगे, नीति के अनुसार एक आयोग बनाएंगे, वो आयोग संयोग सब क्या क्या बनाते हैं, बनाने के बाद में विचार करके फिर उसको क्या है पास करेंगे, राज्यसभा लोकसभा में पास करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करता है, सब कुछ करता है। ये अभी कहाँ बना है, हमारे संविधान में, हमारे भारत में, भारत सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत बना है, लेकिन ये वहां लिखा हुआ नहीं है ना, ये वहां लिखा हुआ नहीं है, बहुत सारे को छोड़ देता है, पहले कुछ कानून 50 साल पहले कुछ दंड थे, वो सारे दंड को छोड़ करके दंड का नाम बदल के और सख्ती से नया दंड बनाया। अभी आतंकवाद तो उस समय था ही, आतंकवाद के खिलाफ जितने दंड बनाए आप देखो सब बाद में बन गए, रिपोर्टा क्या क्या बोलते हैं सब है ना। तो अब ये हो गया, अब इसमें आप कहेंगे नहीं हमारे अनुच्छेद संविधान में ये नहीं है, आप कैसे कह सकते, कोई जुर्म किया तो उनको मारो, ऐसे संविधान ने नहीं कहा, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसी प्रकार वेद में जो कुछ मूलभूत सिद्धांत है वो वेद का अपना है, वेद ने कोई दंड विधान नहीं किया, अब न वेद ने दंड विधान आपको दिखाई पड़ेगा, न उपनिषद ने दिखाई पड़ेगा, वहां विधि प्रतिषेध दिखाई पड़ेगा, ये करो बोलेगा ये नहीं करो बोलेगा, अब जो करो बोलेगा वो नहीं करता है, उसको क्या पिटाई करना है वो नहीं बोलता, और जो नहीं करो करने के लिए बोला वो करेगा तो उसको क्या करना है वो भी वेद नहीं बोलता है, वो व्यवस्था राजा के अधीन दिया गया, राजा को वो कर्तव्य को करना चाहिए, ऐसा वेद ने कहा, राजसूय आदि प्रकरण आप देखेंगे विस्तार से वहां है, प्रजाओं को कैसे संपादन करना इत्यादि है, और वहां की वाणी आपको बिल्कुल मधुर लगेगी, वेद की वाणी जहां भी है, क्योंकि दंड विधान किया नहीं, आपको
डर पैदा नहीं कर रहा, अब पढ़ने से मधुर लगे, और ये तो सबके लिए बोला है, सबके लिए अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं सबके लिए है, सबके लिए है। ये बिल्कुल हमारे संविधान के समझ संविधान के समान, तो वेद संविधान है और ये दंडनिधि धाराएं, अलग अलग धारा लेकर इस प्रकार दोनों को समझना। और दंड नीति हमारे भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जो दक्षिण में आप देखो दक्षिण में चार राज्य है, चार राज्य में भी अलग अलग दंड नीति, यानी अलग अलग जुर्म के लिए अलग अलग अपराध के लिए वो नीति में अंदर होता है। कोई कोई राज्य में वो बलात्कार आदि के लिए आजकल भी नया बनाया उन्होंने, वो फांसी देने का बना, कोई कई लोग नहीं बनाया, कई लोग तो शराब पीने को अपराध बनाया, पब्लिक में शराब नहीं पी सकते, कई लोगों का कई जगह वो है नहीं, अपराध नहीं है, ये कहां कैसे बन गया? ये सतत राजा, सतत मतलब राजा नहीं, आजकल तो मुख्यमंत्री है जो भी है सरकार है, सतत राज्य के सरकार अपने अंतर्गत विचार करके सभी मंत्री मिलकर के निश्चय करके अपने संसद द्वारा जो भी विधायक द्वारा सभी मिलकर निश्चय करके वो नीति को बनाते हैं। और वो नीति कैसी होनी चाहिए? वो नीति हमारे जो भारत के संविधान है उसका बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके अंतर्गत रहना चाहिए, उस तभी आपको प्रावधान मिलेगा, तभी आपको वो नीति बता समझ रहे। इसी प्रकार जो वेद के अंतर्गत आके मनु से लेकर, मनु है याज्ञवल्क्य है, बहुत सारे स्मृतियां हैं और कल्पसूत्र है, ये सभी इस प्रकार के विशेष प्रावधान में दंडों का विधान किया। ये सारे स्मृतियां यानी तत्त्व समय में परिवर्तन के आधार पर बनाए गए हैं और बनाने के कारण ही इसमें एक समानता नहीं दिखेगी। एक मुख्य अर्थ में तो समानता रहेगी, लेकिन विशेष नीति में कितने सख्ती से करना, कितने ज्यादा दंड देना, कितने कम करना, ये तत्त्व राजाओं के अधीन होता था, या जो भी सूत्रकार धर्मकार धर्म सूत्रकार होते थे या उनके अधीन होते थे। अब यहाँ जितने वाक्य आ रहे हैं ये स्मृति का है, भाष्यकार कह रहे हैं स्मृति का, तो स्मृति का वाक्य है और ये दंड नीति के अंतर्गत है, इसको सीधा वेद में ले जाके संबंध अन्वय नहीं कर सकते। और वहां ये जो कहा है अभी, जैसा अभी महाभारत में आया श्रावय चतुर्यो वर्णन, वहां व्यवस्था दी है और वो व्यवस्था को हम मानना, क्यों? अभी जैसा आपको इस राज्य में उत्तराखंड राज्य में जो विशेष दंड नीति की व्यवस्था बनाई है इसको नहीं मानते हुए आप यहाँ जी सकते क्या? इसको विरोध में आप जा सकते क्या? नहीं जा सकते, आपको दंडित किया जाएगा, जेल में डालेंगे, नहीं तो पिटाई करेंगे, जो भी करना चाहेंगे केस लेंगे। बिल्कुल वैसा ही है, आप जिस शास्त्र को मानते हैं, जिस धर्म सूत्र को मानते हैं, क्योंकि अलग अलग परंपरा के लिए अलग अलग धर्म सूत्र है, अलग अलग स्मृति ग्रंथ है, अलग अलग गृह सूत्र है, ये सब व्यवस्थित है, उनको जो आप मानते हैं उसमें जो कहा है वो आपको आचरण करना। भगवद गीता हम सब पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ने के बाद में भगवद गीता में जो कहा उसका आचरण यदि नहीं करेंगे तो भगवद गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार होता है, इसलिए उसका आपको फॉलो करना है, इसमें ऐसा कहा तो मेरा मेरे कुल के अनुसार मेरे नियम के अनुसार इसको मेरे को प्राप्त पालन करना है, वो पालन करना है, नहीं करने से उससे आपको दोष होगा, आपको दंड मिलेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। दंड का पहला रूप प्रायश्चित है, उसके बाद में वो सीधा दंडित किया जाता है। उसमें भी आप देखिए अभी यहां जैसे दंड आ रहा है, जो जुर्म किया जाता है कई जगह विदेश देश विदेशों में भी, तो आप पूरे एक स्टडी करके देखना कहां कहां कितने सख्ती से दंड विधान। हमारे यहां जितने सख्ती से है, चोरी करने से हमारे इतने दंड का विधान यहां नहीं है, चोरी करने से यहां चलता है, इसलिए चोर बढ़ते जा रहे हैं। चोरी करने से कई राज्य ऐसे हैं पूर्वी राज्यों में, ईस्टर्न कंट्रीज में, चोरी करने से जिस अंग से चोरी करेगा उस अंग को काट दिया, जिस अंग से साथ जिस जुर्म का संबंध है उसको सीधा काटना है, जरा पूछना नहीं। अब ये इसका विधान हमारे वेद में है, अभी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये इसमें
पूरा आपको एक ज्ञान हो जाएगा कैसे सब उलट पुलट हम समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा विधान है। अब आप उनके ऊपर केस लगाएंगे क्या? मानव अधिकार बोलने वाले कोई केस लगा सकते हैं उनके ऊपर? वो उनका राज्य का नियम है, वो चोरी करेगा तो अभी जैसे दुबई आदि जो है वहां जाके अभी चोरी करेगा तो वो काट देते हैं, और जो बलात्कार करता है उनका उसी अंग को छेद कर लिंग छेदन कर, ऐसे है कहीं। और बाकी आप ड्रग्स मतलब जो नशीले पदार्थ खाएंगे, कई राज्य में ऐसे आपको पकड़ा गया, आप नशा करते हुए पकड़ा गया या किसी प्रकार जहां नियम नहीं वहां आपने नशा किया तो सीधा जेल, 20 साल तक जेल केवल नशा करने के। वो यहां लागू कर सकता है क्या? यहां हम अभी सोच सकते हैं, ये अभी वर्तमान में है, मैं अभी है ये बोल रहा हूं। आप क्या बोलेंगे? क्या नहीं वो नहीं कर सकते, हमारे यहां नहीं है इसलिए नहीं कर सकते, हमारे वेद में नहीं कहा इसलिए नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते? आपके संविधान आपके राज्य के लिए है। तो दंड विधान, मेरे कहने का तात्पर्य दंड विधान विषय के गंभीरता को लेकर के और व्यवस्था बनाने के लिए जितना जरूरत है उसको देकर के अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। ये अनित्य होते, ये नित्य नहीं है, और ये स्मृति के अंतर्गत होते हैं, लोगों द्वारा बनाया हुआ होता है, राजा के द्वारा बनाया हुआ होता है, ठीक है ना। अब ये कहां से ये दंड शुरू किया है बताना, ये मतलब इतिहास कथा सुनेगा आपको अच्छा लगे। देखिए मैंने कहा वेद में कोई दंड विधान सीधा सीधा नहीं मिलता, बिल्कुल सत्य है, वेद के अंदर बहुत सारे वचन है, अभी समय भी हमारे पास कम है, अभी इसी में निकल जाए, लेकिन ये जानना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। तो वेद में तो है नहीं, अब सृष्टि हो गई, सृष्टि होने के बाद में वेद में जितने कहा हुआ उसी प्रकार कार्य सब करने लग गए लोग, आचरण करना शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद धीरे धीरे बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि मनुष्यों के अंदर कुछ स्वाभाविक दुर्गुण रहते हैं, जिसको स्वाभाविक कर्म चेष्टा करते, जिससे आसक्ति हो जाती है, दूसरे पर द्वेष हो जाता है, और दूसरे के जो दूसरे के पास जो माल है उसको हड़पने की इच्छा हो जाती है, प्रलोभन होता है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ होता है, इसके कारण वो थोड़ा बहुत इधर उधर होने लगता है। अब ऐसा होते होते पहले तो प्राश्चित के रूप में उसको सहन करते रहा, मतलब उसको ठीक करते रहे, लेकिन बाद में प्राश्चित में भी काम नहीं आया तो फिर दंड का विधान करना। इसमें कहते हैं कि आप तो सुना है कि कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि के तीन पत्नियां थी, इतिहास मतलब उसकी कथा है पुराणों में सब जगह याद, तो दिदि अदिति और दनु, ऐसी तीन पत्नियां। तो दिदि से पुत्र जितने संतान हुए उनको दैत्य कहेंगे, दिदि के पुत्र होने से दैत्य है, हमारे यहाँ अपत्य अधिकार में अनप्रत्यय करके दैत्य है। और अदिति के पुत्र हो गया आदित्य, और दनु के दनु मादा के पुत्र है दानव, ये तीन विभाग बन गया, तीन विभाग उनके शुरू हुआ। बाद में ऐसा चलता रहा कि ये दीदी जो है बड़ी मादा थी, इसीलिए दैत्य जो है इन तीनों में ज्येष्ठ होने के कारण दैत्यों को ही सब शासन राज्य जो भी मिलना था वो मिल गया, बड़े होने के कारण उनको मिल गया। लेकिन बाद में आदित्यों ने विरोध किया, यानी देवताओं ने विरोध किया, और देवताओं ने विरोध किया मैंने उनके पास जो था उससे ये लेना चाह रहे थे तो दायित्व नहीं दे रहे थे, जैसे पांडव और कौरव की बात है इस प्रकार देने को तैयार नहीं, उनको अधीन में रखा तो वो भाई के मैंने जो गाय का विभाजन होना चाहिए था ऐसा विभाजन नहीं किया, और कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ, ऐसे स्थिति में फिर वहां पक्ष विपक्ष हो गए, लड़ाई होने की स्थिति आ गई। तो क्या हुआ, ये दानव जितने भी थे, दानव और दैत्य दोनों एक हो, मतलब वो एक पक्ष वाले बन गए, और आदित्य वाले अदिति के पुत्र अलग हो। इस प्रकार से ये दानव और दैत्य एक ही ग्रुप के कहे गए हैं, तो वो भी अलग अलग है, थोड़ा उसमें अंदर है, ऐसे कहे। ऐसा चलता रहा, ये बहुत पुरानी की बात है।
उस स्थिति में जब व्यवस्था इधर उधर बिगड़ने लगी, व्यवस्था बिगड़ने लग गया तो वंश विस्तार होते गया, व्यवस्था भी बढ़ रहा है, परिवार बढ़ते जा रहा है, ऐसे होता है, जनसंख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई तो व्यवस्था में बिगड़ गया, क्योंकि ये तो ये लोग कोई भी अधिकार शासन अधिकार मिलेगा तो थोड़ा अहंकार तो आता है, अभिमान आता है, सब कुछ मेरे पास रहे ऐसी भावना आती है, ऐसा आया हो तो आप पुराणों में कथा सुनते हैं तो ये कथा तो कोई नहीं थी। ऐसे स्थिति में ब्रह्मा जी के पास सबका कंप्लेन पहुंच गया, क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ तो सब उथल पुथल है, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, अभी दंड के बिना नहीं चलेगा, व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आगे किसी को कोई प्राप्ति नहीं होगा, सब लोग पुरुषार्थ से च्युत हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, सब दुखी हो जाएंगे। ऐसे आ गया तो वो आठवां जो सृष्टि के बाद में, सृष्टि के बाद का जो कल्प चलता आया, ऐसे आठवां जो कल्प, आठवां जो ब्रह्मा है उनका नाम है पंकज, पंकज नाम से ब्रह्मा, एक एक ब्रह्मा का अलग अलग नाम होता है। ऐसे आठवां जो पंकज नाम के ब्रह्मा है, पंकज नाम के ब्रह्मा के मानस पुत्र, मानस पुत्र मन संकल्प से उन्होंने पुत्रों की सृष्टि की, ऐसे समझना, उन मानस पुत्रों में मनु है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु को बना। अब क्या है, पहले आपने सुना होगा कि मैं बृहदारण्य में भी सुनाया और यहाँ हमारे पास महाभारत का भी वाक्य है, एक वर्णम इदम पूर्वम विश्वमासीत युधिष्ठिरा क्रिया कर्म प्रभेदेन चादुर्वर्ण्यम प्रतिष्ठितम कर्मणा वर्णो नदु जन्मना वर्णः इत्यादि वाक्य महाभारत शांति वर्णों के ये सुनाते हैं। तो उसमें एक वर्ण था, यानी उसमें व्यवस्था चल रही थी, वो सब अपने अपने विभाजन करके कार्य कर रहे थे, तो शासन व्यवस्था विशेष करके दंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु ये जब बिगड़ गया तो मनु को बनाया, मनु को बनाया तो मनु राज्य शासन करना शुरू किया, तो मनु ने विभाजन किया, विभाजन करके ये जो 14 भुवन बनाए, 14 भुवन बनाने के बाद भूलोक की बात है क्योंकि मनु का संबंध मानव से है, भूलोक में 7 द्वीपों को बनाया, 7 द्वीप बनाए, तो मनु के जो मनु राजा है ये सब आपको पुराण में भागवत में सब मिलता है, तो मनु को ये ब्रह्मा जी ने राजा बनाया, मैंने वहां से शासन शुरू किया, तब तक ऐसा कोई संविधान बना के शासन नहीं था, दंड नीति की कोई व्यवस्था नहीं, तो सबसे पहले हमारे इतिहास में या विश्व के इतिहास में सबसे पहले संविधान नाम के कोई कार्य करने वाले बनाने वाले मनु हुए, तो मनु का संविधान को आज भी सबसे पुरातन संविधान मानते हैं, संविधान माने राज्य व्यवस्था चलाने के लिए जो नीति चाहिए, राजनीति, तो राजनीति का सबसे बड़ा पहला ग्रंथ है मनुष्य, क्यों मनु को सबसे बड़ा राजा बना, और फिर मनु के जो पुत्र हुए, मनु के पुत्रों को, मनु के पुत्र में सबसे बड़ा था प्रियव्रत नाम का पुत्र, प्रियव्रत है, प्रियव्रत हुए और उनको ये 7 द्वीप दे दिया और 7 समुद्र का विभाजन, ये सब विभाजन प्रियव्रत ने किया, क्योंकि सब चलाने के लिए, कारण क्या था कि प्रियव्रत के कुल 10 पुत्र थे और 2 कन्याएं भी थी, प्रियव्रत का संतान, तो 10 पुत्रों में 3 पुत्र तो ऐसे ही संन्यास्त हो गए, वो कोई राज्य चलाने के लिए उनके इंटरेस्ट नहीं था, तो उसमें महावीर कवि सवन नाम के 3 पुत्र वो पहले से विरक्त होकर के घर से चले, अब बाकी तो 7 पुत्र रह गए, तो 7 पुत्रों के नाम से ये 7 द्वीप है, 7 भूखंड है हमारे, 7 द्वीप जो कहते हैं उनका नाम भी और ये इनके पुत्रों का नाम भी एक जैसा ही है, कहीं कहीं सामान्य रूप से वो 7 द्वीपों को बंटवारा करके दिया उनका शासन करने के लिए कहा, तो ये सब भूमंडल की बात है, मैंने भूमि का विभाजन किया और मनुष्यों के लिए ये सब व्यवस्था की, इस प्रकार से राजा बनाए और आगे करके चले, इस प्रकार आपको भागवत में 3रे स्कंध में 22वां अध्याय में
और पांचवा स्कंध में प्रथमा अध्याय से लेकर के सारी कथाएं आपको विस्तार से मिलेगी, संक्षेप में कथाएं। अब वो जो नियम बनाया उसको हम मानव शास्त्र कहते हैं, मानव धर्म सूत्र भी, चौदह सूत्र भी है, अभिमन स्मृति भी है, प्रसिद्ध है। वहां से लेके कानून चला, कानून किसके लिए चला कि ये व्यवस्था को, बिगड़ा हुआ व्यवस्था को पुनः बनाने। वहां से लेकर जो भी परिवर्तन समय समय पर आता गया, अभी वो समय चला होगा बहुत समय तक, मानव का धर्मशास्त्र जैसा चला होगा बहुत समय चला। उसके बाद में आप हमारे इतिहास में देखेंगे जब विष्णुगुप्त आया, चाणक्य का जो समय था, जो मौर्य साम्राज्य का समय था, अब उस समय का आप अध्ययन करने से पता चलेगा कि वहां तक आने से, इसके बीच में भी परिवर्तन कई हुआ होगा, कई राजा बदलते गए, वो कितने लंबी बात है। महाभारत का समय कुछ और था, ये भी है। उसके बाद आप महाभारत में देखेंगे बहुत परिवर्तन वहां दिखता। तो उस काल में यानी द्वापर के अंत तक बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। अब उसके बाद में जब हम कलयुग में प्रवेश करते हैं तो हमें मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य के ये जो व्यवस्था उस समय अर्थशास्त्र आदि से, चाणक्य आदि से मालूम पड़ता है कि उस समय क्या दंड व्यवस्था थी, राजा कैसे चलाते। अब देखिए कैसा परिवर्तन आ रहा, वहां दंड नीति बदल गई, लेकिन ये सब किसके आधार पर, वेद के आधार पर ही हुआ, वेद और चार वर्ण और आश्रम के आधार पर ही सब कुछ हुआ, लेकिन व्यवस्था में अंदर। उसके बाद वो समय चला गया और हमारे भारत की दृष्टि से देखा जाए तो उनके बाद में मुगलों का राज्य हुआ, मुगल आक्रमण किए, पोर्टुगीज वाले आ गए, विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, फिर वो आकर के अपने ढंग से चलाने लगे। अब क्या हुआ, ये जो वर्ण आश्रम जो व्यवस्था थी कुछ तो यत्र तत्र पालन होते थे, लेकिन उनको उसका कोई ज्ञान नहीं था ये किसके लिए बनाया हुआ था, ये चार वर्ण को सब कुछ प्राप्त करने के लिए इतनी व्यवस्था बनाई हुई थी इत्यादि ज्ञान उनको नहीं था। नहीं होने से उस पर उन्होंने कुछ गौर नहीं किया और जैसे उसको तिरस्कार करते हुए, अनदेखी करते हुए अपनी ढंग से व्यवस्था बनाती गई, बदलती गई, ऐसा बदल करके सैकड़ों साल अलग अलग प्रकार से वो शासन करते हैं। अब ये जो आप देखेंगे भारत में जहां तक मुगलों का शासन था, मजबूती से पक्का शासन था, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा सारे उत्तर भारत का तो कश्मीर से इधर से लेकर के ये जब सब जगह तो था, ये नेपाल के तरफ छोड़ दी, वहां उनको उधर नहीं था, इधर से लेकर के हमारे मन आगे जब बढ़ते हैं मध्य भारत और आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक तक, दक्षिण में कर्नाटक तक मुगलों का राज्य खूब था, मन मैसूर राज्य तक उनका कब्जे में था बहुत सैकड़ों साल तक। तमिलनाडु और केरल बचा, तमिलनाडु और केरल में कभी मुगलों का शासन, तमिलनाडु में इतर तत्र था जो जहाँ कर्नाटक से जुड़े हुए थे उस स्टेट में कहीं कहीं मिला हुआ था, अभी का जो तमिलनाडु देखने से आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उस समय का वो नहीं, ये दोनों राज्य अलग रहे। ये क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको मालूम होगा कि ये दोनों में अंदर क्या हुआ, कि ये जहां जहां मुगलों का राज्य था वहां तो सब कुछ बदल गया, वो कोई 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 ब्राह्मण होंगे या कोई ऐसे चुप करके कहीं अलग से रह करके कुछ किए होंगे तो थोड़ा विद्यालय चलाया होगा, वेद पढ़ाया होगा, इत्यादि किए होंगे तो वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से सभी जो है शिखा छोड़ दिए, सूत्र छोड़ दिए और आचार विचार छोड़ दिए, खान पीन सब बदल गया, कितना उल्टा हो गया आपको मालूम नहीं पड़ेगा, उनको मालूम ही नहीं, कई लोगों को मालूम ही नहीं है पेज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नहीं मालूम। तब क्या है, ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ, तो वो मांस भी खाने लगे, शराब भी पीने लगे। आज कितने ब्राह्मण हैं जो जानते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब ब्रह्महत्या है, ऐसे जानने वाले कितने ब्राह्मण आपको मिलेंगे, आप देखिए, वो तो उनको पता ही नहीं, वो पीते हैं मजा करते हैं सब कुछ कर, जबकि ब्रह्महत्या मानते हैं ब्राह्मण में जन्म लेकर के शराब पिएंगे तो ब्रह्महत्या है। तो ये क्यों हुआ कि ये व्यवस्था बिल्कुल अलग हो,
अब इसकी तुलना आप वेद से करेंगे तो कुछ समझ में आएगा क्या? इसकी तुलना आप मनुस्मृति से करेंगे समझ में आएगा क्या? कोई धर्मशास्त्र की का कोई व्यवस्था देता है क्या? कहीं कोई प्रावधान है आप ऐसा कर सकते? कितना बिगड़ गया? क्यों बिगड़ा? बिगड़ा वेद के कारण नहीं, क्योंकि ये जो दंड नीति राज्य की व्यवस्था, राजा बदल गए, राजा बदल गया तो सब कुछ बदल गया। ये देखिए एक सुंदर वचन महाभारत में कहते हैं, नश्ये त्रयी दंड नीतौ हतायाम। कहते हैं दंड नीति यदि नष्ट हो जाती है तो ये त्रयी वेद जो वेद है, त्रयी मन वेद, वेद की व्यवस्था नहीं रही, यही हुआ। अब इसमें जो बचे हुए जो दक्षिण के जो दो प्रांत या तीन प्रांत में जो बचे हुए थे, वो लोग जैसा जैसा वहां चलाते रहे, इसीलिए जो वहां चला रहे थे उनको ये तो मालूम था कि ये इस प्रकार से करना है, वो करना है, जो कुछ देश पाठ का जो भी बचा हुआ था उस समय। और बीच में कई राज्य में लड़ाई हुए इत्यादि कथा तो लंबी है, लेकिन ये हम सामान्य रूप से बोल रहा। तो वहां क्या है, वहां उस समय परिवर्तन नहीं हुआ, उस समय तो बहुत अच्छा खूब चला सब कुछ, लेकिन बाद में वहां भी परिवर्तन हुआ। मैंने विजयनगर का जो समय है वो जाने के बाद में फिर वहां भी परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन के इनको देख देख करके वो भी करने लगे, फिर अंग्रेज आ गए। अब उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज का तो इनका तो कोई संस्कार है ही नहीं, वो तो व्यापार के लिए आ गया, तो व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, चलाने के लिए, सबके सबसे माल हड़पने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो देखा। बाकी तो राज्य को जैसा चलाना है, लोग बिगड़े नहीं, लोग उनके ऊपर नाराज ना हो जाए, इस प्रकार से कुछ व्यवस्था उन्होंने बनाई। बनाने के बाद में बाकी तो उनको तो कोई न राज्य से लेना देना, न धर्म से लेना देना, न किसी से कुछ लेना देना था उनको। वो तो केवल ये सब चोरी करने के लिए, इस तरह से व्यवसाय करने के लिए आए थे। उस प्रकार से उन्होंने एक एक को काट करके, एक एक को बदल करके, सब अलग करते गए, अलग करते गए, और पूरा उल्टा ये स्थिति हम आ गया अभी। और उसके बाद तो फिर 50 साल के बाद भी आप देख सकते, 50 साल के 50 साल जब हमारे क्या स्वतंत्रता ये सब हुई, उसके बाद तो फिर धर्म की ही अपना नाम बदल दिया, धर्म की व्यवस्था ही बदल, सेकुलरिज्म इत्यादि जो भी बोलते हैं वो तो वास्तव में हमारा संविधान से सीधा संबंध नहीं, बाद में लाया गया है 72 का कुछ बाद में जो है आया। तो ये सब अभी लौकिक ही हो गया, इसमें कोई आध्यात्मिक की बात ही नहीं। अब देखिए विष्णुगुप्त का मैंने मौर्य साम्राज्य या उस प्रकार के वो जो स्थिति उस समय के जो कुछ दो तीन सौ साल बीच में जो भी हुआ, उसके बाद में धर्म को हमारे व्यवस्था को स्थान देते हुए कोई व्यवस्था आई नहीं, उसको वापस लाने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। अब तो हम वापस लाएंगे, अब किसको बोल। फिर भी अभी भी लोगों के मन में वो जाति वर्ण तो बना हुआ, ये आश्चर्य है। मतलब इतने सैकड़ों साल होने पर भी अभी भी लोगों के मन में तो ये बना हुआ है, और ये इसी के आधार पर तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो बदला नहीं जा सक रहा है, क्योंकि ये बहुत अंदर मूल में हमारे डीएनए में, हमारे भारत संस्कृति में वो बना हुआ, उसको एकदम आप उलट नहीं कर सकते। इतने सब कुछ होने के बावजूद बना हुआ। और अभी क्या है, ये जो गलत करता है, अभी ब्राह्मण होगा हुआ शराब पीता है, या ब्राह्मण होता हुआ गलत काम करता है, या चतुर्थ वर्ण का होता हुआ गलत काम करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो उसको धर्म के आधार पर, यानी हमारे वेद में ऐसा कहा, शास्त्र में ऐसा कहा, इसलिए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए करके दंड देने के लिए व्यवस्था नहीं। शराब जो पीना चाहता पी सकता है, हमारा संविधान तो मना नहीं करता, व्यक्ति स्वतंत्र है, आपको फ्रीडम है, आप करना चाहते कर सकते हैं, आप किसी को पिटाई करना चाहते हैं पिटाई कर सकता है, मांस खाना चाहते हैं खा सकता है, सबका समान है। वहां ब्राह्मण मांस नहीं खाना चाहिए कहीं संविधान में लिखा है क्या? न धारा में लिखा है, मैंने जो दंड नीति बना है उसमें भी नहीं है। अब आप बताओ कि कोई करेगा तो कैसे करेगा? वो करेगा अपने जो भी अपने उनके अंदर तो मांस खाने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, मछली खाने की इच्छा है, अंडा खाने की इच्छा है, वो करता है, मौका मिलेगा तो करेगा। अब कौन पूछेगा? पूछने वाले धर्माचार्य हुए,
धर्माचारी पूजा वो बोले आप बोलते रहो, आप प्रवचन करना आपने कहा है, करते रहो, हम अपने काम करते रहेंगे, यही तो कहेंगे। धर्माचारी कोई दंडनीति तो चलाएंगे नहीं, पिटाई थोड़ी कर सकते। यदि वो पिटाई किया भी समझ लो कोई ब्रह्मचारी को या किसी को कोई धर्माचार्य वो दंडनीति किया तो वो स्वयं जेल जाएगा, क्यों पिटाई किया है? वो हमने धर्म परिपालन करने के लिए पिटाई कराया बोलने से मानेंगे क्या? इसलिए हमारे मंदिर तोड़े गए और वो कोई पूछा नहीं, और वेद को निंदा करते कोई पूछा नहीं, यहाँ रहते हुए नास्तिकता को चलाते हैं, उनको दंड देने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं। भारत में राज्य में अपने देश में रहते हुए देश को क्या बोलते हैं, तिरस्कार करते हैं, देश का अपमान करते हैं, देशवासियों का अपमान करते हैं, उनके लिए दंड नहीं, व्यवस्था नहीं, कैसे कर सकता है? आपको बोलने का स्वातंत्र्य, आप कुछ भी बोलो। अब देखिए इसके तुलना आप उसके साथ कैसे करें? इसीलिए हम अभी कहां गड्ढे में पड़े हुए हैं, हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं, यहां मानना पड़े। अब यहां का नीति में बता रहा हूं। अब क्या है, दंड नीति के अनुसार देखा जाए, समाज व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो हमारा अभी का जो संविधान है वही हमारे लिए मानव शास्त्र है, ये मानना पड़े और कोई रास्ता नहीं। और इसका प्रावधान हमारे शास्त्र देता है कि राजा स्वयं पिता होता है, कलम पिता होता है और ईश्वर के समान होता है, यानी सरकार में जो भी रहेगा वही राजा मानना, यहां तो आजकल गणतंत्र सरकार। तो अभी का संविधान क्या है, अभी की नीति क्या है, हमारे देश के जो अभी नीति है संविधान ही हमारे लिए वो शास्त्र है। अब वो दंड नीति शास्त्र यहाँ काम नहीं आएगा और ये दंड नीति शास्त्र के साथ उसके साथ संबंध भी नहीं होगा। इसलिए मैंने ये चरित्र सुनाया, पहले अलग था, उसके बाद अलग था महाभारत काल में, फिर अलग था, तो ये सब चला गए, अब नया बन रहा है, तो यही मान। और ये सारे जब बनेंगे, यदि भारत में बनेगा कोई भी नीति तो पूर्व नीतियों के साथ पूर्व जो पूर्वजों का जो नियम है उसको रख करके ही बनाना पड़ेगा, उसको पूरा उल्लंघन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जो मैं अम्बेडकर का कुछ वाक्य सुनाना चाहता हूं, हो गया तो कल हम जाते।